सो नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज की हम इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के राइस की स्टोरी जानने वाले हैं। यदि आपको याद हो तो मैंने 2 महीने पहले इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने 2020 तक के बाद की बात कही थी कि 2020 के बाद इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ख़राब होनी चालू हो गई थी। तो आज हम इंडियन ट्रेन सिमुलेटर की राइस की बात करने वाले कि इंडियन ट्रेन सिमुलेटर कैसे राइज अप हुआ, मतलब उसका लोगों ने इसे कैसे बन गया, वो मोस्ट पॉपुलर इंडियन ट्रेन सिमुलेटर गेम कैसे बना। तो ये जो स्टोरी में चलेगी यहाँ पे चलेगी 2016 से लेकर 2020 तक, क्योंकि 2020 के बाद तो इंडियन ट्रेन सिमुलेटर का आपको पता ही क्या हाल चल रहे हैं अभी। तो आज मैं 2016 से लेकर 2020 तक बताऊंगा कि क्या क्या हर एक साल में इंडियन ट्रेन सिमुलेटर को ऐसी चीज़ें हुई जो इंडियन ट्रेन सिमुलेटर को बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम बना दी उस समय। तो हम पहले 2016 से चालू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो रीज़न है 2016 में इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के पॉपुलर होने का, वो है पहले टाइम कि मतलब इंडियन ट्रेन सिमुलेटर जिस समय पर रिलीज़ हुआ था 2016 में, उस समय मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा ट्रेन गेम उपलब्ध नहीं थे इंडियन ट्रेन सिमुलेटर गेम जो आपको एकदम बढ़िया सा मतलब एक्सपीरियंस आपको दे सके। तो इंडियन ट्रेन सिमुलेटर इसलिए उस समय राइज अप हुआ। और दूसरा जो कारण है वो है इसका रियलिज्म और लो एंड डिवाइस पर वर्क करना। तो जब इंडियन ट्रेन सिमुलेटर रिलीज़ हुआ था तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिंपल गेम हुआ करता था, मैंने आपको डाउनफॉल वाली वीडियो में बता रखा है। तो और वो इसका जो गेम का साइज़ था वो भी 30-40 MB के आसपास ही था, जो लो एंड डिवाइस पे अच्छे से चल जाता था 1 GB रैम वाले डिवाइसेस पे। तो इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के राइज़ अप का ये भी एक अच्छा कारण बना है कि वो रियलिस्टिक था पहले और वो लो एंड डिवाइस पे वर्क कर जाता, तो इसलिए ज़्यादा लोगों ने इसे खेला और वो एक पॉपुलर इंडियन ट्रेन सिमुलेटर गेम बना 2016-17 के आसपास। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ईयर मतलब 2018-19 की तरफ। सब हम कहानी में आ चुके थे, 2-3 साल आगे, और 2018-19 के टाइम पे इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के अंदर अच्छे अच्छे अपडेट्स आने लग गए थे और इसके अंदर हमें वैरायटी ऑफ कोचेस देखने को मिल गई थी। और पहले जब इंडियन सिमुलेटर रिलीज हुआ था उसके अंदर वैरायटी ऑफ कोचेस नहीं थे, और फिर 2018-19 के टाइम में बहुत ज़्यादा अपडेट्स देने चालू करे, फिर इसके अंदर उन्हें कोचेस वगैरह डालने चालू करे। तो 18-19 के टाइम में ये एक बड़ा कारण है कि इंडियन सिमुलेटर के प्रॉब्लम होता कि इसके अंदर ज़्यादा वैरायटी के में कोचेस और लोकोमोटिव देखने को मिल रहे थे और अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे थे। तो 2018-19 के टाइम में यही था इंडियन सिमुलेटर का सबसे ज़्यादा मेन कारण पॉपुलर होने का। अब हम चलते हैं इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के लास्ट कुछ अच्छे सालों में 2019 और 2020 का टाइम। 2019 और 2020 में सबसे बड़ा रीज़न जो पॉपुलर इंडियन सिमुलेटर के होने का था वो था अपना मोटर्स। 2019 और 20 के टाइम में इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के बहुत सारे मोटर्स अब आ चुके थे जो इंडियन ट्रेन सिमुलेटर को इम्प्रूव करते थे अपनी तरफ से, अपने पैशनेट से वो गेम को लेके, और वो इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के नए नए मोड्स बनाते थे। और एक बात बता दूँ कि जो उत्कृष्ट कोच था हमारा जो कि 2023 में अपना लॉन्च हुआ था दिवाली पे, वो कोच मोटर्स ने पहले ही इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में डाल दिया था जैसे आपको दिख रहा होगा। तो यार ये जो वीडियो है ये एविडेंट भाई की अपनी वीडियो है और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में बहुत सारे मोटर्स थे जैसे अपने एविडेंट भाई हो गए, एक टेक्निकल नमन थे जो इंडियन रेलवे ट्रेन सिमुलेटर के भी डेवलपर हैं। तो बहुत सारे मोटर्स थे पहले जो इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के बहुत बढ़िया बढ़िया मोड्स बनाते थे, और काफ़ी लोग थे रूट्स के भी यहाँ पे मोड बनाते थे। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे यूपी का रूट आपको देखने को मिल रहा है, इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में भी एक तरह का मोड ही था जो कि मतलब बहुत सारे लोगों ने मिल के बनाया था। तो 2019 और 2020 के टाइम इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के प्रॉब्लम होने के कारण मोड्स बहुत बड़ा रहा है इसके पीछे। तो थैंक्स टू मोडर्स यार कि उन्होंने इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के वो प्रति पैशनेट थे, मोड्स बनाते थे। मैंने भी बहुत सारे मोड ट्राई करे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था यार। उस समय तो मेरे पास मान लो 1.5 GB का मोबाइल था, 1.5 GB रैम वाला सैमसंग गैलेक्सी J5, उसके अंदर मैंने मोड ट्राई करे थे यार, बड़ा मज़ा आता था यार उस टाइम पर मोड डाल के खेले इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में। तो यार 2019 और 20 के टाइम इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के मोड्स बहुत बड़ा रीज़न रहे हैं इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के पॉपुलर होने के पीछे। 2020 के बाद की स्टोरी तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ यार, आपने देख रखी है 1800 लोगों ने जिन्होंने मेरी इंडियन ट्रेन सिमुलेटर की डाउनफॉल वाली वीडियो देखी थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके आप देख सकते हो चैनल पे, गेम नमस्ते इंडिया वाले चैनल पे। वो बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो थी यार, उसके जो पॉइंट्स थे एकदम बढ़िया थे, मतलब मैंने एकदम से पूरा स्टोरी को एक्सप्लेन किया था कि डाउनफॉल के मेन क्या कारण है। तो वो आप तो आपको इसी वाली वीडियो में पता चलेगा। आज मैंने सोचा इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के एक राइस की वीडियो बना देते हैं कि इंडियन ट्रेन सिमुलेटर का राइस कैसे हुआ। इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के राइस की स्टोरी तो आपने पूरी देख ली है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा इंडियन ट्रेन सिमुलेटर की राइस के बारे में, और फॉल के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब इंडियन ट्रेन सिमुलेटर की प्रॉपर राइस एंड फॉल स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ।
सो आज की वीडियो के लिए इतना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।